गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू GK टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26th of October के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ओवरवेल्म्ड फील हुआ कि आपने मुझे इतना मिस किया और मेरे वापस आने के बाद आप इतने ज़्यादा खुश हैं। तो अब मिल के अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लगातार जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करेंगे। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड कंटेंट कुछ प्रोवाइड कर सकूं आपको। तो सारे लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट्स में मेंशन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको लगभग 7 से 8 स्लाइड्स में रिवीजन वाला पार्ट भी मिलेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the program launched to enhance connections among young individuals from diverse states of India? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन फिर भी उनको एक साथ यूनिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया। तो इस प्रोग्राम का नाम युवा संगम है, क्योंकि ये स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स को डेडिकेटेड है। और ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है, और इसका एम है इंटरपर्सनल कनेक्शंस को इन्हांस करना यंग इंडिविजुअल्स के बीच में, जो कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के रहते हैं। तो हाल ही में जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है फॉर द थर्ड फेज ऑफ युवा संगम एज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि युवा संगम वो प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिया में रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों के यूथ को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, युवा संगम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स के जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एज अ प्रिकर्सर टू द वर्ल्ड स्किल प्रोग्राम। वर्ल्ड स्किल प्रोग्राम के पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि उनको तैयार किया जा सके इस वर्ल्ड स्किल प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम का नाम क्या है आपको ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है, किसी ने अगर कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखा था तो उसको आंसर डेफिनेटली याद होना चाहिए। इसका नाम था इंडिया स्किल्स 2023-24। ओके, और सब लोग कॉमेंट्स में बताएंगे कि हमारे मिनिस्टर कौन है स्किल डेवलपमेंट के। Which state recently inaugurated its first building built using 3D printing technology named as Amaze 28? अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि Amaze 28 किस चीज़ का नाम है। चार ऑप्शन दे देंगे, ये एक तरह का रोबोट है या फिर एक तरह की बिल्डिंग है, कुछ भी करके चार ऑप्शन ऐसे बना देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये पहली बिल्डिंग है जिसको 3D printing technology की हेल्प से बनाया गया है। कहाँ पे है? आंसर है केरला स्टेट। What is the name of the autonomous organization फॉर्म टू प्रमोट यूथ डेवलपमेंट इन इंडिया? यूथ के वेलफेयर और इनके डेवलपमेंट के लिए एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है, और इसका नाम क्या है? आंसर है मेरा युवा भारत। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेरा युवा भारत। विच स्टेट अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड एज स्टैचू ऑफ वननेस? यहाँ से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की स्टैचू को हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू, जिसको हम स्टैचू ऑफ वननेस कहते हैं। और कौन से स्टेट में इसको अनवील किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत। ठीक है, इसका नाम है विक्रांत। क्या बता सकते हैं, कुछ दिनों पहले इंडियन नेवी ने कौन सी शिप है जिसको वियतनाम कंट्री को गिफ्ट कर दिया था डीकमीशन करने के बाद, उस शिप का नाम सारे लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे। आई होप आप सबको आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा बार रिवाइज करवाया था। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फॉर द ईयर 2022-23, वॉट इज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट ईयर? तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के मुताबिक 2022-23 का जो डेटा है, जो प्रोडक्शन है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें, तो उसके पैटर्न में क्या डिफरेंस पाया गया? क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या फिर सेम लेवल पे है, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? एक्चुअली
जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट जारी कर दिए हैं एरिया और प्रोटेक्शन के पर्पस से डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को लेके इस फाइनेंशियल ईयर में। और इनके मुताबिक जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है कंट्री में वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू पहुंच चुकी है 351.92 मिलियन टन्स पे इस साल, ठीक है। और अगर हम देखें कंपेयर करके तो ये इंक्रीमेंट है लगभग 4.74 मिलियन टन्स का, और अगर आप परसेंटेज में बात करना चाहेंगे तो 1.37% ये इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें इसको 2021 टू 22 से, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा जो प्रोडक्शन का पैटर्न है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज्ड। कुछ डेटा या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एज पर द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एम्फीबियन जीनस इन इंडिया? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की मोस्ट इंडेंजर्ड एम्फीबियन जीनस कौन सी है? तो याद रखिएगा डांसिंग फ्रॉग, इसका नाम ही याद रखना काफ़ी है, ठीक है। एज पर द यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, विच मंथ ऑफ 2023 इज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट मंथ ग्लोबली सिंस 1940 के बाद 2023 में कौन सा ऐसा मंथ था जो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट या हॉटेस्ट रहा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेप्टेम्बर मंथ। सेप्टेम्बर मंथ को कंसिडर किया गया कि ये हॉटेस्ट रहा अगर हम 1940 से कंपेयर करें तो, मतलब 1940 से लेके 2023 के बीच में जितने भी मंथ या साल गुजरे हैं उनमें सबसे हॉटेस्ट मंथ है सेप्टेम्बर 2023, ठीक है। एज पर अ रिसेंट नाबार्ड रिपोर्ट, विच स्टेट टॉप इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फॉर्म होते हैं और उनकी जो सेविंग्स हैं, इस मामले में किस स्टेट ने टॉप किया है नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक? तो आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को सेकेंड पोजिशन पर फॉलो किया था तेलंगाना स्टेट ने। एज पर अ न्यू रिपोर्ट मेड अलॉन्ग विथ नीति आयोग, विच स्टेट हैड द हाइएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री इन जुलाई 2023? तो ऐसे भी सिर्फ जुलाई की अगर बात ना भी की जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आती है उत्तर प्रदेश की स्टेट से, और फिर भी यहाँ पे जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है जो इनके टारगेट्स थे वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक कंसर्न का मैटर बन चुका है। क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल होगी, राइट? तो उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और ये रिपोर्ट जारी करी थी वसुंधरा फाउंडेशन ने। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टर्टल्स हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग? टर्टल की ट्रैफिकिंग के मामले में सबसे ज्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं चेन्नई सिटी से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस फॉर बैकवर्ड क्लासेस? बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कास्ट सेंसस जो है वो कौन सा स्टेट है जो कंडक्ट करने जा रहा है? याद रखिएगा ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्टेट कास्ट सेंसस अब कमेंस करेगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कब से? 15 नवंबर से अराउंड स्टार्ट किया जाएगा। और इसका एम क्या है, जो भी सर्विसेज हैं टोटल 139 कम्युनिटीज के लिए जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको सपोर्ट किया जाए और उनको और भी ज़्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश स्टेट कंडक्ट करेगा एक कास्ट सेंसस बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपने स्टेट के अंदर। कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखेंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें फर्स्ट है, नामदफा पक्के एंड कमलांग आर द टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कभी कोई भी स्टैटिक चीज़ें करंट में आ जाती हैं तो वो आपके एग्जाम का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे जितने भी टेम्पल्स या टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स हैं आप उनको एक टाइम पे याद नहीं रख सकते, तो जो भी टाइगर रिजर्व या रिवर्स या माउंटेंस न्यूज़ में किसी वजह से आ जाते हैं तो उनका आप सेपरेट नोट ज़रूर बना लिया करिए, उनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत हाई हो जाती है। तो ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स हमें मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब ये न्यूज़ में क्यों थे इसलिए अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफ़र करिए, वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे पर्पज़ है सिर्फ एक बार रिवाइंड कराना आपको, अदरवाइज़ अगर हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बस बने रहिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पीछे कहीं ना कहीं कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं,
Which state launched the Mittai scheme to offer free insulin therapy to the diabetes patient? Diabetes patients को insulin therapy free में provide करने के लिए कुछ दिनों पहले केरला स्टेट ने मित्तई नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया था, ठीक है? तो हो सकता है आपसे मित्तई स्कीम ये पूछ लें इसके बारे में कि कौन से स्टेट की है. सेकेंड चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि मित्तई स्कीम में कौन से लोग बेनिफिशरीज होते हैं, तो याद रखिएगा डायबिटीज पेशेंट्स. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्राज वर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इनको इनॉग्रेट किया गया था महाराष्ट्र स्टेट में कुछ दिनों ही पहले. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर अ 13 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये कॉरिडोर अप्रूव किया गया लद्दाख के लिए और अब ये यहाँ पे बनवाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 13 GW की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन. काते बिहू इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? बिहू आपने सुना है कि असम का ये एक फेस्टिवल या डांस फॉर्म होता है. Which state or the union territory launched its कृषि roadmap 2023-2028? अगले 5 सालों के लिए कृषि roadmap तैयार कर लिया है बिहार स्टेट ने. Guidance is the nodal agency for investment promotion of which Indian state? अपने स्टेट में investment को promote करने के लिए guidance नाम की एक nodal agency चलाती है तमिलनाडु की सरकार. Which northeastern state has inaugurated its first district level paperless e-office system? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम इनॉग्रेट कर दिया है त्रिपुरा स्टेट ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना भंडार मीन्स ट्रेजर रूम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली लाइज इन विच फेमस टेम्पल? आपको बताना है कि रत्ना भंडार जो आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है किस टेम्पल का हिस्सा है. जैसा कि हम जानते हैं कि उड़ीसा में जो जनरल इलेक्शंस हैं और असेंबली इलेक्शंस हैं वो बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो उसी के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मूव है जिसके बाद रत्ना भंडार जो कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल में है इसको फिर से खोलने की बात की जा रही है. और इसका जो ट्रेजर रूम है वो पिछले 3 डिकेड से सील किया गया है, अब तक इसको खोला नहीं गया है. और पहले ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि कुछ स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन किए जाएं इनर रत्ना भंडार के, ठीक है? तो बस आपको ये याद रखना है कि ट्रेजर रूम जो है जिसको आप रत्ना भंडार कहते हैं ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल में है. हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लाई करता है, याद रखिएगा उड़ीसा स्टेट में. कुछ टेम्पल्स देखेंगे जो हाल फिलहाल चर्चे में थे. इसमें पहला है होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कुछ दिनों पहले इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल गया होयसाला टेम्पल्स को और ये कर्नाटका में लाए करते हैं. द 64 योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये जो टेम्पल है ये मध्य प्रदेश में है. विच स्टेट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल? दुनिया का सबसे बड़ा रामायणा टेम्पल बनाया जा रहा है बिहार स्टेट में. तुंगनाथ टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये तो बहुत ज़्यादा चर्चे में था तुंगनाथ टेम्पल, इसको जरूर याद रखिएगा कहाँ पे है, उत्तराखंड में. कपिलेश्वर टेम्पल विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लिस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कपिलेश्वर टेम्पल जो है वो पार्ट है उड़ीसा का, ठीक है? Which blocks panel on MDBs suggest shift from project based approach to country platforms? कौन सी ब्लॉक का पैनल है जो कि बैठाया गया था ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच से हट के कंट्री प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना चाहिए? तो G20 की एक्सपर्ट पैनल थी ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जिसमें कि वर्ल्ड बैंक भी इंक्लूडेड था और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी. ये अब अपने अप्रोच को शिफ्ट करना चाहते हैं और आपको याद रखना है कि ये जो पैनल है इसमें हमारे NK सिंह भी मौजूद थे एज को कन्वेनर्स. तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ये कहा गया कि प्राइमरीली फंडिंग करने की जगह पे एक एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को ये जो बैंक्स हैं इन्हें प्रेसिडेंस देनी चाहिए टू द प्रोग्राम्स जिसमें कि सेक्टर स्पेसिफिक फोकस होता है और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज होती हैं और ये डिटरमाइन किया नेशनल गवर्नमेंट्स ने, ठीक है? तो सिंपली याद रखिएगा कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके बारे में एक पैनल किस ब्लॉक ने बैठाया, आंसर है G20.
G20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी है और लगातार आप एग्जाम में देख रहे होंगे G20 से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, क्योंकि पिछले एक सालों में डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं अंडर G20 और उसकी वजह से G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बेस से बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं G20 से रिलेटेड और जिनको हम क्विकली यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री इन 2023। इंडिया ने फाइनली G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट की प्रेसिडेंसी को किस कंट्री को हैंड ओवर कर दिया है? तो आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, विच सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इन 2023? ये जो समिट हुआ जहाँ पर इंडिया ने प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील को शिफ्ट किया था, इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू थी? याद रखिएगा, नई दिल्ली। विच कंट्री अनवील द पीपल्स G20 ई बुक? आंसर है इंडिया। और इसमें हमने अपने जो भी इवेंट्स हुए या जो हमारे अचीवमेंट्स हैं अंडर हमारी प्रेसिडेंसी G20 की, उसको हमने मैंशन किया हुआ है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 4th G20 सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इसके लिए वेन्यू रखा गया था वाराणसी को। वेयर वॉज द 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? आंसर हो जाएगा मुंबई। ये जो चौथी मीटिंग थी इसकी, ये मुंबई में हुई थी। वेयर इज द कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम लोकेटेड? ये है नई दिल्ली में। विच कंट्री ब्लॉक हैज़ बिन रिसेंटली एडमिटेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20? जो अफ्रीकन यूनियन है ये अब परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का, और सारे लोग कॉमेंट्स में बताएंगे कि अफ्रीकन यूनियन में इन टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए वेन्यू है जयपुर सिटी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? इसके लिए वेन्यू रखा गया था चेन्नई को। चेन्नई में ही हुई थी ये मीटिंग। What are the denominations of the commemorative coins to mark India's G20 presidency? इंडिया की G20 presidency को mark करने के लिए दो coins जो हैं वो commemorate किए गए। याद रखिएगा इनका denomination कितना कितना है। एक का है 100 rupees और दूसरे का है 75 rupees coin। ठीक है, और भी questions हैं G20 से related जो हम आगे आने वाले lectures में cover कर लेंगे। Next question पे आएंगे। ऑपरेशन चक्रा 2 विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोशिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? ऑपरेशन चक्रा 2 किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन चक्र 2 जो है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कैरी आउट किया है 76 साइट्स में इंडिया के अंदर, और इसमें होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है 5 डिस्टिंक्ट केसेस का जो कि रिलेटेड होते हैं साइबर इनेबल्ड फिनेंशियल फ्रॉड्स के साथ, और इसमें वो भी केसेस इंक्लूडेड होते हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, और ऐसा फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी का जिसकी अमाउंट 100 करोड़ रुपीज तक होती है। ठीक है, तो इसके लिए CBI ने एक्शंस को इनिशिएट किया बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करते हैं इनको फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FBI, इंटरपोल वगैरह, और भी जो हमारी और डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो सारी। ठीक है, तो ऑपरेशन चक्रा 2 है पार्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इज़राइल एंड पैलेस्टीन? जैसा कि हम जानते हैं कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच बहुत ही गजब की कन्फ्लिक्ट चल रही है इस टाइम, तो जो भी इंडियंस वहाँ पे स्टक थे उनको इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन अजय। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड? ये जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया था इज़राइल की कंट्री ने। विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड द ऑपरेशन सजग ड्रिल? ये कंडक्ट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी? ऑपरेशन मुस्कान को इम्प्लीमेंट किया मुंबई ने, एम फॉर मुस्कान, एम फॉर मुंबई। क्या आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान के बेनिफिशरीज कौन लोग होते हैं या किन के वेलफेयर के लिए इसको रन कराया गया था मुंबई में? विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज? ये जो है ब्राज़ील की है। ठीक है, इसके अलावा दो ऑपरेशंस और देखते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन करुणा। इसको हमने क्यों लॉन्च किया था? टू हेल्प द कंट्री म्यांमार, क्योंकि म्यांमार कंट्री में एक साइक्लोन आया था इसी साल जिसका नाम है साइक्लोन मोका, तो इसकी वजह से म्यांमार कंट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई थी, और म्यांमार को हेल्प करने के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन करुणा। फिर 2023 में ही एक और ऑपरेशन रन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी।
ये लॉन्च क्यों किया था, क्योंकि सूडान में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सूडान कंट्री में, और वहाँ पे जो भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था। और इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हक्की पिक्की ट्राइब को बिलोंग करते थे और वो वहाँ फंसे हुए थे, उनको वापस लाया गया इंडिया में सेफली। और इस वजह से हक्की पिक्की जो ट्राइब है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। याद रखिएगा ये स्पेशली कर्नाटका स्टेट में पाई जाती है, रहते तो और भी स्टेट्स में हैं ये कुछ थोड़े बहुत, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये पाए जाते हैं कर्नाटका स्टेट में। ओके, रघुबर दास द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप के लिए यहीं पे बन सकता है कि ओडिशा के नए गवर्नर कौन बन चुके हैं, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये हैं रघुबर दास। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डेजिग्नेट किया रघुबर दास को एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। रघुबर दास जो है वो किससे टेक ओवर कर रहे हैं, गणेशी लाल से, जो कि फॉर्मर हरियाणा बीजेपी प्रेसिडेंट हैं और मिनिस्टर भी हैं, और ये सर्व कर रहे थे एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा सिंस मई 2018। तो फाइनली अब नए गवर्नर ओडिशा के बन चुके हैं मिस्टर रघुबर दास। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी कंट्री के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो आंसर है झारखंड। यहाँ पे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार देख लेते हैं। के एन शांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। हाल ही में के एन शांत कुमार को बनाया गया चेयरपर्सन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। राहुल नवीन को बनाया गया था एक्टिंग डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। पी आर शेषाद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। इनको अपॉइंट किया गया नया MD और CEO साउथ इंडियन बैंक में। मिशेल बुलक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक। मिशेल बुलक ऑस्ट्रेलिया कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उनकी पहली फीमेल हेड बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक बॉल वर्म इज अ पेस्ट इफेक्टिंग विच क्रॉप। पिंक बॉल वर्म किस क्रॉप को इफेक्ट कर रहा है आजकल? तो जो भी कॉटन की क्रॉप्स हैं नॉर्थ इंडिया में लाइक पंजाब हरियाणा राजस्थान, यहाँ पे सीवियर इन्फेस्टेशन देखा गया पिंक बॉल वर्म का। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है जिसको आप BT कॉटन भी कहते हैं, ये भी इनसे नहीं बच पा रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है इस इंसेक्ट के इन्वेजन का, वो सिर्फ क्रॉप को डैमेज नहीं कर रहा है बल्कि क्रॉप्स के डैमेज होने की वजह से जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पिंक बॉल वर्म है ये फिलहाल कॉटन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। देखिए सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड अप्लाइड आर्ट्स है मुंबई में, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1878 में। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इसने रिसीव कर लिया है डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस और अब इसको जाना जाएगा एज सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल 5 नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो स्टेट है वो होल्ड करेगा 100% स्टेक इस स्कूल में और इन सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन फाउंडेशन, और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी को फंड किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आजकल चर्चे में है क्योंकि इसको डी नोवो डीम यूनिवर्सिटी का टैग मिल चुका है। और ये कहाँ पे है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। विच कंपनी हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद द एंटिटीज इंगेज्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑन क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर। तो IBM ने साइन किया है 3 तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स 3 एंटिटीज के साथ जो कि इंगेज्ड हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। कौन कौन से सेक्टर्स में? फर्स्ट है इसमें क्वांटम, सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्ड है सेमीकंडक्टर। तो IBM जो है वो सपोर्ट करेगा फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और पार्टनर करेगा फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप्स में इन क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिंपली याद रखिएगा यहाँ पर आंसर है IBM।
तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वॉइस के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वॉइस काफ़ी लो जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने कल कोई शिकायत नहीं करी और जितना पॉसिबल हो सका आपने कोऑपरेट किया। ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक दो दिन में वॉइस ठीक होने के बाद हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे एनर्जी भरे सेशंस कंडक्ट करेंगे, तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, जो लोग भी हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में करंट अफेयर्स को करते हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग अब इसी चैनल पे मंथली इंग्लिश वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश की ऑडियंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है और डेली करंट अफेयर्स करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग मंथली वीडियोज़ देंगे जिसमें टॉप 200 या 300 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उस लेक्चर को करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मंथली वाले वीडियोस हम देंगे इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज रन कर रहे हैं ऑलरेडी। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन करिए, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं आप उनका आंसर देखिए और फिर फ्यूचर के लिए याद कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।